लेफ्ट, पापा ने तो नींद भी खोल ली अपनी। बहुत अच्छा है ये तो सच में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयु की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। अभी टाइम हुआ है 4:30 सुबह के। वैसे मैं तो उठी हुई हूँ 4:45 की, नहा भी ली हुई। अभी आयु नहाएगा है ना, ये बिना कहीं उठ गया जी। ये भी फिर निकलते हैं घूमने के लिए। कैसा आयु, कैसा लग रहा है सुबह सुबह उठ कर आज? कैसा लग रहा है? हाँ जी, इतने सुबह उठते नहीं हो ना। और सामान सारा हमारा पैक हो ही गया, रात को करके ही सोए थे। बस तो ये जल्दी से नाले फिर निकलते हैं। गाइस हम निकल गए अपने घर से, आ गए हैं मामा यहाँ पे। मम्मी निकल गए 5 बज गए, निकल गए आपने बोल। ये तो यही पे हमारा घर, अभी 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ ना। नेचुरल हवा। गाइस मैं तो सो गई थी और ये दोनों ची ची पी पी करने लग रहे हैं। आयु भी पीछे डिग्गी में जाके लेट गया था, तो मैंने बुलाया इसको आगे। हैं? वो एक्सीडेंट में। मैं करूँ? क्या? अपने मुंह से निकालो। नहीं ये वो नहीं होता मैं। अच्छा आप गाना गाना, मैं आपके मुंह से निकालूँ। 1 2 3 स्टार्ट। दूसरा के मुंह से चैन में निकालो। वाला 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 करने लग रहे हैं ये। सारे बिस्किट बिस्किट कर दिए अभी, आयु ने खाए थे। देख इनको वहाँ बाहर डाल दे, चिकन मैं खाता बंद हो जाती है। चिकन मैं खाता उस साइड से। आयु का सीट पे मन नहीं लगता, ये वहाँ जाकर बैठ जाता है और पीछे आ रही गाड़ियों से हाय हेलो करता रहता है ना। नींद आ रही है? आगे से पीछे नहीं जाती, वो पीछे से आगे नहीं आता। हरियाली हरियाली। गाइस अभी लिया हमने एक ब्रेक क्योंकि बैठे बैठे हो गए थे बोर। तो यहाँ पर एक घाट है साइड में, इस पर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर निकलेंगे। देखते हैं ठंडे ठंडे पानी में हाथ पैर मार ले। ओहो ये कूद कूद के निकल रहे हैं, रास्ता नहीं है यहाँ से। निकल गया ये तो। सारे कूद कूद के आ गए हैं। साफ पानी एकदम। इन्होंने तो अपनी कैप पहन ली, कह रहे धूप है बहुत तेज। ओम बहुत चिल्ड है पानी। हाँ नहीं भैया, मेरे को तो लग रहा है चिल्ड है ना, आपको नहीं लग रहा? इतना भी नहीं। मेरे को तो लग रहा है। तो ले तो पापा ने तो नींद भी खोल ली अपनी। पैर देखकर बैठ गई मैं तो। यू ने अपनी कैप मेरे को दे दी और बढ़िया मजे आ गए। वैसे थकान सी उतर गई। आई तो भागे घूम रहे हैं। अच्छी जगह है, शांति की, यहाँ भीड़ भी नहीं है एकदम, पर बढ़िया वाली है।
आराम से आयु नहीं ना कर बाद में नहाऊंगा पहने रख पानी में आते ना है तो आयु को घड़ी की चिंता हो गई इस ऊपर वाली पे बैठ जा ये गए अब की बार तो अंदर ही मान नहीं रहे है वहां तक नहीं होगी पैड़ी वहां तो थोड़ा वो है आप मत जाना वहां तक ये बढ़ गए सारे कपड़े निकाल निकाल के जब से तो ये थी बस बैठ के और चलेंगे और ये पहन के वो ऑल लाइन है ये स्विमिंग होनी शुरू हो गई है आयु को डुबकी मारनी सिखा रहे आयु आपको सिखाई तो थी डुबकी स्विमिंग में भी आयु को डुबकी कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बस ये स्विमिंग में भी इसकी डुबकी इतनी लाइक रहती है बस जा आयु को डर भी लग रहा है नहाने का भी मन कर रहा है पर बस ये है कि एक पैड़ी पर ही रहूं ऊपर बिट पापा फोन ये चाहत भी नहीं जा रही ब्रेक लिया हमने खाने के लिए खाने में आया एक मिक्स पराठे मंगाए और इन दोनों के आलू के पराठे सही है बढ़िया आयु को तेज भूख लग गई थी अब एक चीज और आने वाली है स्पेशल आयु के लिए यहाँ की स्पेशल मंगाई है टिक्की कॉर्न टिक्की पर आयु को अच्छी नहीं लगी ना यू मेरा तो पराठा ही चल रहा है मिक्स विद नमक खा ले खाना खाने के बाद आयु आया बाहर आयु को दिखाई दिए बिस्किट्स और इसने अटैक लगा दिया बिस्किट्स पर केक लिए हैं बिस्किट लिए हैं यहाँ से कुछ बिस्किट्स लिए हैं गाइस सुबह से अब तक ना गाड़ी में बैठे ही है चल नहीं लग रहे हैं आयु भी उतर कर आ गया अब थोड़े से पहाड़ वहाड़ दिख रहे हैं पहले भी दिख गए थे अब भी दिखने शुरू हो गए हैं पर सुबह से बैठे बैठे बोर हो जाते गाड़ी में क्या करने जाओगे हैं व्यू तो यहीं से देख लो अब मुझे कोक पीनी थी तो दीपक कोक लेकर आए अभी हाँ जी यहाँ नीचे जीना उतर रहे साइड में पहाड़ों का व्यू अच्छा आ रहा है और ऐसा मौसम हो रहा है जैसे बारिश का होगा अभी एक नंबर क्या नहीं मेरे को क्या करना है आराम से इसके साथ नहीं आई हूँ ऐसे नहीं फेंकते नीचे कुछ हो सकता है ना घर वर बन रखे इसलिए आयु नीचे कंकर फेंकने लग रहा था हाँ जी गाइस यहाँ का व्यू कितना अच्छा है यहाँ तो मतलब रहने वालों के लिए हमारे वहाँ तो पोल्यूशन इतना ज़्यादा है तो पोल्यूशन भी नहीं है और बीच में ये दो घर एक ये ग्रीन वाला इतने अच्छे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं एकांत में एकदम चलें चलो भाई बहुत देर रुक लिया बस वापस चल दिया और अब हम जा रहे हैं धनोल्टी कितनी देर में पहुंचेंगे अभी नहीं पता है अभी मसूरी वाले रास्ते पर है थोड़ा सा टाइम और लगेगा बहुत कम है
बीच में क्या पता हम पहुंच भी लेते, बीच में हम हरिद्वार के वहां रुक गए थे, फिर खाना खाने के लिए जाम था, और तो अब की बार तो पहुंच ही जाएंगे। मौसम एक नंबर हो चुका है बारिश का। चिंगम खा रहे हो? अभी चलते चलते बीच में आ गया एक एडवेंचर पॉइंट, एक का एडवेंचर पॉइंट। तो अभी आ जा रहे हैं। एंट्री फीस थी यहाँ पर पर्सन 50 रुपीज, और जो भी हमें राइड वगैरह करनी होगी वो अलग है। ऊपर एकदम खड़ी चढ़ाई है। अभी तो वो भाग गए सब, सारे के सारे, मैं ही सबसे पीछे हूँ। चाहती ये करने जा रही है साइकिलिंग, यहाँ से इस रोप से होते हुए वहां जाएगी आगे। डर लग रहा है। आयु पता नहीं कौन सी करेगा, आयु आप कौन सी करोगे? अच्छा कौन सी? नीचे ट्रैम्पोलिन, वो पानी वाली। नीचे फुहारे चलने लग रहे हैं। आयु ये क्या कर दिया? वाली करने लग गए, और चाहत वापस गई जिप लाइन कर ले, जब तो उसने साइकिलिंग की थी, अब आ गई है जिप लाइन पर। और आई हुई है, पता नहीं ये कर पाएगा जंप या नहीं। कर तो रहा है। लग रहा जाए, कभी वो साइड गया घूमते घूमते, आने लग रहा है इस साइड। चाहत ऐसे आई गई जी प्लाइन करते हुए, डर भी लगता भी वो वहां खड़ी है, वो खड़ी हुई है, उसकी टर्न अभी आई नहीं है, आएगी। और आयु लगा हुआ है अभी तो इसी में ही। गिर जाता है कभी, कर लेता हूँ, लगने का डर हो रहता है। चाहत आने लग रही है जिप लाइन करते हुए, आयु भी गया अभी चाहत को देख कर ही आ गई। चाहत तो आ गई करके कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, मस्त। आयु है वो खड़ा हुआ है, आयु को कैसे भेजा था, उसका कैसा रहेगा अभी कुछ पता नहीं है, देखते हैं। आ रहा है। ओ फ्लाई करते हुए आ रहा है, उसे तो पकड़ा ही नहीं, उसको ऊपर से आराम से आने लग रहा है। आयु से पूछते हैं इसका एक्सपीरियंस, आयु कैसा लगा? एक नंबर। आयु तो फ्लाई करते हुए आया बर्ड की तरह, ऊपर भी नहीं पकड़ा इसने। चलो अब चलते हैं। उन्होंने कहा था पहाड़ों में मैगी खाने का कुछ अपना ही मजा है। तो ये दोनों ने ऑर्डर की थी मैगी, खाने लग रहा है मैगी, और यहाँ पर आ गई है चाय। मैंने मेरे को नहीं पीनी है ये चाय, आ गई है यहाँ पर। कैसी है? फाइनली इतनी अच्छी वाली जगह पर पहुंच गए हम। गाइस यहाँ का मौसम हो रहा है बिल्कुल एक नंबर, इतने बढ़िया वाला। और ये है यहाँ का व्यू, ऐसे लग रहा है जैसे फोग हो रखी है साइड में भी। और यहाँ ना इतनी ज्यादा चिल्ड हवा चल रही है, एकदम बहुत ज्यादा चिल्ड, ठंड भी लगने लग रही है। आई और चाहत तो गाड़ी में बैठे हो तो उतरा ही नहीं है। गाइस यहाँ पर लिया हमने अपना रूम, और यहाँ पर ये टेंट भी अवेलेबल है। टेंट को देखते अंदर से, वाव टेंट का लुक अंदर से बहुत अच्छा है ये तो सच में ही। ये साइड वॉशरूम होगा, इस साइड वॉशरूम, और ये बेड डला हुआ है। ये रूम से थोड़ा कॉस्टली है बस, पर ये टेंट अच्छा है। कैसा लगा? इन दोनों को लग रही है ठंड, और हम घर से लेकर आना भूल गए गर्म कपड़े, ये सबसे बड़ी गलती हुई हमारी। लाइट ऑन कर रहे हैं अभी, अभी जाएंगे जो रूम हमने लिया है वो दिखाते हैं अंदर। इसके ऊपर ना लेता हूं। हाँ जी
और ये यहाँ का व्यू है जहाँ पर हम रुके हुए, इसके सामने इतना अच्छा आ रहा है ना, देखने दिखाने लायक है बिल्कुल ही। हमारा जो रूम है वो उस साइड है। हाँ जी, टॉप पर ही है, हम बिल्कुल टॉप पर ही हैं, सब कुछ नीचे है और वो दूसरी साइड तो बिल्कुल ही खाई दिख रही थी। हाँ जी, बॉनफायर का, अच्छा वहाँ होगी बॉनफायर का। ये है हमारा रूम जो हमने लिया है, सारा सामान ये रख दिया है। और सबसे बड़ी बात होती है वॉशरूम की, तो वॉशरूम भी एकदम क्लीन है आपका। गाइस, हमने धनोल्टी से पहले ही यहाँ पर रूम ले लिया है, रूम एक नंबर का है, बढ़िया है। बस मेरा थोड़ा सा मन खराब है क्योंकि जब हम रास्ते में आ रहे थे ना, तो एक जगह एक्सीडेंट हो रखा था। एक्सीडेंट क्या, दो लड़के थे वो फोटो क्लिक करने लग रहे थे। एक लड़का जैसे फोटो क्लिक कर रहा, उसकी दूसरा बाइक पर खड़े होकर करवा रहा था। जो बाइक पर खड़ा था वो एकदम से स्लिप हो गई और बाइक नीचे जाकर गिर गई। वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा पुलिस वगैरह सब कुछ आ गई थी, तो निकालने लग रहे थे। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, ये बताकर कि कहीं भी बाहर जाएं तो सेल्फी हमारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल हमें उसके पास जाकर ही सेल्फी लेनी है तो ही हमारे फ़ोटो अच्छे आएंगे। हम दूर से लेंगे तो भी अच्छे आते हैं, और अपनी सेफ्टी हमारे अपने हाथ में है। सेल्फी के चक्कर में ऐसे जान मत गवाओ, क्योंकि मैंने फिर दो तीन जगह जैसे आ रहे थे तो और भी लोगों को देखा, बिल्कुल इनके पास जाकर फोटो क्लिक कराने लग रहे हैं। इनके पास ही पता नहीं कौन सा व्यू बैठा है कौन सा नहीं है, पर मेरा सर आज घूमा हुआ है बिल्कुल ही। उनको देखकर दूर से देखने लग रहे थे, जैसे वहाँ तो भीड़ लगी हुई थी, जैसे ही हम दूसरी साइड पहुँचे रोड के तो वहाँ से दिखने लग रहे थे। वहाँ पर भी वो ढूंढने लग रहे थे, वो शायद बाइक के साथ मिला नहीं था, उसको ढूंढने ही लग रहे थे। ऐसे ऊपर से रस्सी को नीचे डाल के, पुलिस वाले पता नहीं वो तो कैसे क्या डाल रखी थी, पर ढूंढने लग रहे थे, वो मिला नहीं था। अब घर से तो आ जाते हैं, पर ये सेल्फी के चक्कर में घर वाले उसकी बेचारे की देख रहे होंगे बाट की, कब आएगा कब नहीं आएगा, और उनको क्या पता कि वो आएगा ही नहीं। इसलिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, बाहर घूमो फिरो पर सेफली घूमो। गाइस, खाना वाना खा लिया है, डिनर कर लिया है, और बाहर इतनी ठंड थी कि हम गर्म कपड़े तो लेकर ही नहीं आए, क्योंकि हमारे वहाँ तो बहुत गर्मी थी, और हमारा यहाँ आ गए यहाँ तक आने का प्लान कोई था नहीं। अब इतनी ठंड लग रही है, एक ब्लैंकेट और एक मोटी वाली रजाई है। 8:30 बज गए, अब बस सोएंगे क्योंकि सुबह से गाड़ी में बैठे बैठे थक गए। कल जो मेन धनोल्टी है वो दिखाएंगे आपको। तो इस ब्लॉग को कर रही यहीं पर एंड। अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।